तो जैसा कि आपको पता है कि क्लिनिक और हॉस्पिटल के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो लाइक अगर आपके पास क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर आपको अपना ओपीडी मैनेज करना होता है, अपना आईपीडी मैनेज करना होता है, पेशेंट की एंट्री करनी हो या फिर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना हो, और हमारे पास आईपीडी में कब पेशेंट एडमिट हुआ, और एडमिशन से लेकर के उसके बाद जब जब तक वो पेशेंट एडमिट रहते हैं तो उनके ऊपर रूट ट्रीटमेंट का चार्जेस लगते हैं, तो वो मेंटेन करना होता है। और एट द एंड ऑफ द डे लास्ट में जब वो 2 दिन बाद या 4 दिन बाद जब वो वापस जा रहे होते हैं अपना ट्रीटमेंट करा के, तो हमें उनको एक डिस्चार्ज समरी देना रहता है। तो ये सारी चीज़ें कवर करता है जो कि हम आपको इस सॉफ्टवेयर से प्रोवाइड कराते हैं। ये ऑलरेडी आपको पता है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं और आपको सारी चीज़ें गाइड की हुई है। आज बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी क्या है कि हमारा एक क्लाइंट है यूपी के, उनकी एक रिक्वायरमेंट ये आई कि उनको जब हमने क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दिया तो उनका कहना था कि हमारे यहाँ पर 5 से 6 डॉक्टर बैठते हैं और हर एक डॉक्टर का जो फीस है वो अलग अलग है, तो वो कैसे मेंटेन होगा। तो देखिए, इसके लिए हमने उनको ये बताया कि हमने इसमें एक एड ऑन अपडेट किया है, जिसमें क्या है कि आप अपने डॉक्टर्स की लिस्ट बना लेंगे और उसके बाद जाकर के आप वहाँ से जो अलग अलग डॉक्टर की फीस है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हर चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि आप जब सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके जो क्लिनिक हॉस्पिटल का नेम है वो शो होता है, यहाँ पर आपकी सिटी शो होगी और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होगा, जैसा कि आपको पता है। बस इस पर डबल क्लिक करेंगे, अपना नेम पासवर्ड एंटर करेंगे, जो भी आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स को एट ए टाइम कभी भी आप चेंज कर सकते हैं, ये आपको पता है। उसके बाद एंटर करेंगे तो हम सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन कर जाएंगे। अब जब हम सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन कर गए तो यहाँ पर आपके पास डैशबोर्ड आ गया, यहाँ से आप सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए, सबसे पहले तो हम मास्टर पे आएंगे और यहाँ पे देखिए एक डॉक्टर का कॉलम बना हुआ है। वैसे देखिए यहाँ पे मास्टर में आपको मेडिसिन, मेडिसिन कंपनी, डॉक्टर, वार्ड मास्टर, बेड मास्टर, अदर चार्जेस, सर्विसेज, सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एनीवे, अभी फ़िलहाल हम डॉक्टर के लिस्ट पे आते हैं और यहाँ पर एक न्यू डॉक्टर क्रिएट कर लेते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमने एक डॉक्टर क्रिएट किया और यहाँ पर हमने डॉक्टर का नेम मेंशन कर दिया, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए डॉक्टर तनवीर आलम, ये डॉक्टर नेम हो गया। यहाँ पर डिग्री आप या फिर अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, एड्रेस, सिटी, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, कमीशन परसेंटेज। देखिए, सॉफ्टवेयर का यही बेनिफिट होता है ना कि आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग कमीशन मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्टर्स हैं और वो इंसेंटिव के बेसिस पे हैं या फिर मंथली बेसिस पे, वॉट एवर जो भी है वो आप मेंटेन कर पाए। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एक डॉक्टर और क्रिएट कर लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर अंकित अग्रवाल। तो हमने यहाँ पर डॉक्टर अंकित अग्रवाल इस तरीके से टाइप कर देना है। जो भी हमारे पास डॉक्टर है उनका भी डिग्री हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एड्रेस, सिटी, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, उसके बाद सेव कर लेंगे। ये दो डॉक्टर हमारे पास ऐड हो गए। ये दो डॉक्टर ऐड होने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पर अपडेट किया है हमने, वो है डॉक्टर वाइज ओपीडी रेट सेटिंग, जो कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। तो अब यहाँ पर क्या है ना कि अब देखिए, जो डॉक्टर आपने वहाँ पर ऐड किया है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने दो डॉक्टर ऐड किया था तो ये दोनों डॉक्टर यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर डॉक्टर अंकित अग्रवाल का एक चार्ज यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, एज फॉर एग्जांपल 500। शेयर अमाउंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको कोई परसेंटेज अमाउंट देना तो वो भी आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं कुछ एक अमाउंट मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, फिर अगेन ओपीडी सीरीज सेलेक्ट करेंगे, दूसरे डॉक्टर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डॉक्टर तनवीर आलम मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इनका फीस 1000 कर। शेयर अमाउंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं एज इट इज देना चाहते हैं, अदरवाइज आप उसको जीरो कर सकते हैं अगर आपके पास मंथली बेसिस पे है। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अपडेटेड फीचर है जो कि आपके क्लिनिक के लिए, आपके हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वैसे बीच में आपको बता दूँ कि अगर आपका क्लिनिक जिस भी एरिया में है, जिस लोकेशन में है और जो ट्रीटमेंट सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ना आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो आप अपने क्लिनिक को कैसे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं,
अपने पूरे सिस्टम को सिस्टमैटिक वे में कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब सिस्टमैटिक वे में मेंटेन करने का मतलब है कंप्यूटराइज करना। कंप्यूटराइज बोले तो लाइक आपके ओपीडी में कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आए, आज का टोटल कितना कलेक्शन हुआ, वीकली कितना कलेक्शन हुआ, मंथली कितना कलेक्शन हुआ, जो ऑपरेटर हमारा एंट्री कर रहा है तो उसका वाउचर नंबर वो ऑटोमेटिक सीरियल वे से जनरेट होगा, वहाँ पे वो कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ें जब आपके क्लिनिक में प्रॉपर वे में होता है तो आपका क्लिनिक ग्रो भी करता है और उसको हम ऑनलाइन प्रमोट भी करते हैं, सो दैट कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स पहुँच सके जो ट्रीटमेंट और सर्विसेज आप अपने एरिया में प्रोवाइड कराते हैं। तो ये इन सब चीज़ों के लिए, अब जैसे ये जो क्लिनिक सॉफ्टवेयर है ये आप डेस्कटॉप बेस्ड देख रहे हैं, अभी अगर आपको क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो सॉफ्टवेयर भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, उसमें भी हम आपको सारी चीज़ें गाइड करते हैं। क्लाउड में क्या होता है कि आपका वो सिस्टम कंप्यूटर पे इंस्टॉल ना होकर के उसका एक यूआरएल बन जाएगा और उस यूआरएल से आप कहीं से भी लॉगिन करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बारे में भी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं और हमने ऑलरेडी आपको ये चीज़ें बताई हुई है। तो एनीवे, जो लोग नए हैं डिजिट 24 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट हम देते रहेंगे और हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल ऐसे ऐसे आपके लिए यूटिलिटीज़ हैं, ऐसे ऐसे टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने क्लिनिक को ग्रो कर सकते हैं। हमने अभी व्हाट्सएप पे काम किया है, फिर SMS टैम्पलेट्स पे भी काम किया कि आपके क्लिनिक नेम से जो सेंडर ID है वो आपके क्लिनिक नेम का होगा और आपके क्लिनिक नेम से पेशेंट को मैसेज जाएगा, उनको बल्क में हम प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे पास जिसका यूटिलाइज करके आप अपने सिस्टम को बहुत ही प्रॉपर वे में रन कर सकते हैं। एनीवे, ये जो हमने सीरीज़ बनाया ये बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है कि ये तो जब आप एंट्रीज में OPD के सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे आपने यहाँ पे OPD सीरीज सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर जो भी आपका पेशेंट का नेम है ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बताई हुई हैं, बहुत ही ईजी है। जैसे कि अमित कुमार नाम का हमारा उसका गार्जियन नेम, एड्रेस, सिटी जो है वो ऑटोमेटिक आपका डिटेक्ट कर लेगा सॉफ्टवेयर जिस भी सिटी में आपका क्लिनिक है, तो ये भी एक बहुत मोबाइल नंबर जैसे मैं यहाँ पर एक मेंशन कर देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ आप पेशेंट का जैसे ही डालेंगे उसका एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमने एक नया फीचर अपडेट किया है। अभी जैसे देखिए मैं यहाँ पे 90 करता हूँ, फिर एंटर करेंगे, देखिए उसका एज 34 ऑटोमेटिक आ गया है। तो ये कुछ फीचर्स है जो अपडेटेड फीचर है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना चाहते, सीधे एज डालना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर, पल्स, डिपार्टमेंट, इन चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं, दे भी सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके ऊपर में रेफर्ड का। रेफर्ड मैंने आपको बताया था कि किसी के भी रेफरेंस से आता है और उनको आप मेंटेन करना चाहते हैं, उनका कुछ इंसेंटिव मेंटेन करना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर नेम जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे देखिए मैंने डॉक्टर अंकित अग्रवाल सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमारा 500 आ गया। अभी यहाँ पे एक और डॉक्टर है जो कि हमने स्टार्टिंग में ऐड किया था, तनवीर आलम, देखिए यहाँ पे अमाउंट उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं वो मेंटेन कर सकते हैं। पेमेंट आपके पास किस मोड से आ रहा है, कैश में कितना आ रहा है, QR कोड के थ्रू कितना आ रहा है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हर एक तरीके से ना आप अपने सिस्टम को इस तरीके से इतने जल्दी से आपका OPD मेंटेन हो जाता है। और इसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, एक OPD का स्लिप भी जनरेट हो जाएगा और इसी टाइम पे आप जब OPD रजिस्टर चेक करेंगे तो देखिए आज की डेट में आपको बताएगा कि एक OPD का पेशेंट एडमिट हो चुका है। इस तरीके से ना आप पूरे ओवरऑल ट्रैक कर सकते हैं कि ये आपको एक कैलेंडर मिल जाता है कि डेली बेसिस पे, वीकली, मंथली बेसिस पे हमारे पास कितने पेशेंट्स आ रहे हैं। तो ये एक डॉक्टर वाइज OPD रेट सेटिंग का एक छोटा सा ट्यूटोरियल था जो मैंने आपको बताया कि ये एक अपडेट हम लेकर के आए हैं जो कि आपके क्लिनिक को और स्मूथली रन करेगा। एनीवे, अगर आपको ऑफलाइन सॉफ्टवेयर चाहिए या क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर चाहिए, डिजिट 24 को ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए और अगर आप अपना कोई सुझाव या एडवाइस देना चाहते हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ, देखिए हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं पूरे इंडिया में और बाय द मर्सी ऑफ गॉड हमारे पास आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्हें हम क्लाउड बेस्ड ऑफलाइन सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। थोड़ा सा सपोर्ट के लिए हमारे पास 10% थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, क्यों तो उसको भी हमने बहुत अच्छा किया। मैं आपको बता दूँ कि सपोर्ट के लिए आपके पास एक प्रॉपर ग्रुप होता है, आप ग्रुप में ही आपको पूरा सपोर्ट दिया जाता है।
कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम कैसे सिस्टमेटिक वे में सिस्टम को करें, कैसे ग्रो करें, हर चीज़ आपको गाइड करते हैं। तो सपोर्ट एंड सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, जिसमें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाई डे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आई एम द बेस्ट और हम सबसे अच्छा सपोर्ट एंड सर्विस दे रहे हैं, बट ये ज़रूर मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ, वादा कर सकता हूँ कि जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपका बैक एंड सपोर्ट एंड सर्विस बहुत अच्छा रखेंगे फ्यूचर में, उसमें आपको हम कभी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। और जिन लोगों को अगर कुछ अभी भी कोई क्वेरीज हो, डाउट हो, वो हमारे चाहे एग्जिस्टिंग कस्टमर हो या न्यू कस्टमर हो, हमारे से ज़रूर पूछिए। हमारा जो सपोर्ट का नंबर है 777-983-6111, ये इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आप उनको टेक्स्ट कीजिए, वो आपका ज़रूर हेल्प करेंगे। पूरी एक सपोर्ट की अलग से टीम है जो आपके साथ दिन रात लगी रहती है। कभी बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोफेशनल ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि उनके पास दिन में नहीं रात में टाइम है, तो वो रात के 11-12 बजे तक, जब तक आपके पास टाइम होता है, तो हमारी टीम उस टाइम पे आपके लिए अवेलेबल रहती है। ये हमारे पास प्लस एडवांटेज है जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ कम प्रणाम सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।